लेकिन उनसे पता लगना चाहता हूँ कि शायर इस्लाम तक पहुँच जाया जाए, क्योंकि काफी लंबी सफर करके हम सबके बीच में काफी थका हुआ गया माशाल्लाह। लेकिन यकीन मानिए, अभी अभी उनके शायरी में यकीन मानिए कि फसाहत बलागत की फरावानी और इसके मोहब्बत की जवानी देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। आइए मैं बिना किसी तमहीन के इस वक्त में चाहता हूँ कि साजिद रहमान मौलाना साजिद हुसैन रहमानी से इस वक्त में गुजारिश कर रहा हूँ कि अंदाज को तशरीफ लाए और अपने खूबसूरत सा कलाम से हम सामईन को नवाजे। स्टेज पर तशरीफ फरमा मोहतबर उलमा इकराम व शोरा एजाज, सामईन बज़्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इंशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत सामईन है माशाअल्लाह। आज के जलसे की सदावत भी अच्छी है, निजामत भी अच्छी है और आप हजरात की समात भी अच्छी है। आइए तफसील में न जाते हुए, क्योंकि हमारे दरमियान हजरत मौलाना अब्दुल मतीन साहब रहमान और जिसकी तकरीर से, जिनकी बातों से आप हजरात मुस्तफिज हो रहे थे, हजरत मौलाना असलम साहब चतुर्वेदी वो भी तशरीफ फरमा है, हमारे रफीक हमदर्द जनाब मौलाना नसीमुद्दीन दाही और नकेबे जलसा जनाब मसूद अकरम साहब काजमी वो भी तशरीफ फरमा है। आइए कुछ सुने सुने से कबल दरूद पाक पढ़े पढ़े अल्लाहु सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व इत्रतिहि बिअदबि कुल्लि मा अला मिल्लत। देखिएगा एक मतलब करिए माशाल्लाह, और एक शेर पहले पेश करता हूँ, उसके बाद जायजा लेता हूँ, जैसा सुनेंगे इंशाल्लाह वैसा सुनाऊंगा। नहीं सामईन बहुत अच्छे हैं, आप जैसा पढ़ेंगे सुनेंगे इंशाल्लाह, वो बताएगा आपके सामने। देखिएगा शेर है, आप लोग तैयार एक बार एक बात में कही है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, एक भी हाथ नहीं उठा, हाथ उठाए कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। देखिएगा शेर जी बड़े सकत माशाल्लाह, कोई की आवाज बनाइए और हमारे बाद मौलाना अब्दुल मतीन साहब का भी बयान है, मैं तो ठीक ठाक कर दीजिए, मैं तो आप ठीक कर दीजिए, सामान को मैं ठीक कर देता हूँ। शेर तो सही है माशाल्लाह। आपका फायदा हमारा फायदा, आपके नाम में अमार पुर होंगे, इसके लिए हम लोग आए हैं। कहिए अपने मजर के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहता हूँ और जितने भी हजरात स्टेज पर तशरीफ फरमा है तमाम की तवज्जो लेकिन प्रोग्राम के हवाले से मेरी पहली हाजिरी आपको बुला रही हूँ।
आप हजरत बोले कहिए सुभान अल्लाह, कहिए माशाल्लाह, आप बार बार वो कहते हैं और चार मिसरे आप उसके बाद एक मैं नज़्म पढ़ूंगा। अभी हजरत हजरत मौलाना असलम साहब के तरीके ने बयान किया कि और नफ्स की इस्लाह, अपनी इस्लाह, माशरे की इस्लाह पर एक नज्म पर करने जगह बोलूंगा इंशाअल्लाह। आप हजरत लोग नहीं तो कम से कम हो खिलाइए, कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग नहीं बोल रहे, अरे सब बढ़िए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। देखिए बैठिए बढ़िए बढ़िए। जो दर्द दिल के मुझे दर्द बताई मुझे, जो दर्द दिल के मुझे बस बाबा चाहिए। क्या कह दर्द के मुझे बस पेश करता हूँ जी पढ़े आता नवाजी। उसके बाद इंशाअल्लाह अपने जगह लेता हूँ और ये चार मिसरा मैं आप हजरात को शिरकत करनी पड़ेगी जी पढ़िए। तो ये आपके लिए है, आपके गांव के लिए है। सुनना चाहेंगे तो आपको हम सुनेंगे इंशाअल्लाह। सब समझ के पढ़िए फिर भी सुनेंगे और बोले भी सुनेंगे। हाथ उठा के सुन दीजिए अभी इंशाअल्लाह पढ़े पढ़े सुभान अल्लाह। देखिएगा करिया के लोग बहुत जिंदा दिल सामाई है, आप पढ़िए इस शेर को समझ में आएगा कितना दिन है नादी का। देखिए पढ़े तीन महफिल सजी है। आए हैं क्या कहना भाई, तीन की महफिल सजी है। दीनी महफिल को जहन में रखिए और शेर देखिए जी पढ़े। तीन की महफिल सजी है आज सामने में रखिए और ये शेर पर खास तवज्जो का मालिक। देखिएगा शेर जी पढ़े।
देखिए छोटू नाथ पंचायत समिति के 200 रुपए इनाम अल्लाह को फूल कर लेते जी माशाल्लाह जी। ये आपको गांव की समिति तो है लेकिन ये हमारे छोटा साहब भाई है। ये आप लोगों को शान मालूम नहीं हुआ ये हमारे छोटा साहब भाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इनका। और ये बड़े देखिए अशोक माशाल्लाह देखिए आज शादी खान आबादी का मौका है। मैं चार मिसरे जरे पेश करूंगा मुबारकबादी के तौर पर। कितने लोग हैं जो सुनना चाहेंगे माशाल्लाह कितने लोग हैं जो सुनना चाहेंगे देखिएगा। मुबारक हो तालिब क्या कहने मुबारक हो तालिब तो ये सुभान अल्लाह मुबारक हो तालिब और सिमरन को मुबारक हो तालिब और सिमरन को शादी मिले दिल से दिल को जिंदगी मुस्कुरा दी। मुबारक हो तालिब और सिमरन को शादी मिले दिल से दिल पे जिंदगी मुस्कुरा दे। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।